गलती से लग गया? ओह, फिर ठीक है, अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं सर। गलती तो नहीं थी। घंटे की बात है, आराम से बैठो। जरा बैग लेकर आना। थैंक्स। लो इसमें फेंक दो। और ये भी, मैं अभी कुछ ही देर में वापस आकर इस्तेमाल किए हुए ले जाऊंगी। यार बेचारी उस लड़की को बहुत उल्टी हो रही है। ओ हाँ, उसके आसपास के लोग अब ज्यादा ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे। बेचारे। सॉरी सर, आप ठीक तो हैं? तुमने मेरी नाक तोड़ दी। जरूर गलती से हुआ होगा सर। दोबारा छूकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। फ्लाइट अटेंडेंट्स, लैंडिंग की तैयारी कीजिए। ओह, अब हम लैंड करने वाले हैं सर, आपके नाक को वहाँ टर्मिनल पर पहुँचकर दिखा देंगे। ठीक है, अपनी सीट बेल्ट पहनी आपने? अब हुआ इसका इलाज। आपका शुक्रिया और शुभ प्रभात।
आज शाम का क्या प्लान है? मैं सोच रहा था अगर तुम हम सब के साथ कुछ ड्रिंक्स के लिए बाहर चलना चाहो। नहीं, मैं बस आराम करना चाहूंगी और सोऊंगी। इस हफ्ते मैंने बहुत सारा काम किया है ना, और एक कुत्ता भी लिया है जो रात भर भौंकता रहता है, तो बस आराम ही करूंगी। सोच रहा था कुछ महीने पहले जिस ड्रिंक का तुमने वादा किया था वो आज पियेंगे। सॉरी स्टीव, पर अब मैं दूसरे मर्दों के साथ ड्रिंक नहीं पी सकती। अच्छा, तो ये कब हुआ? बस पिछले महीने मिली थी उसे, और जब टाइम सही हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए ना। बहुत ही किस्मत वाला है वो। जरा सोचो क्या हुआ होता अगर हमने वो ड्रिंक कुछ समय पहले पी ली होती। सही कहा स्टीव, मैं बस सोच ही नहीं सकती हूँ। मैं तुम्हें आराम करने देती हूँ, मैसेज करूंगी। फिर से अपने आप को बचा लिया, बहुत बढ़िया। मॉर्निंग, एना लॉसन है मेरा नाम। एना लॉसन, क्या मैं आपके नाम की स्पेलिंग चेक कर सकती हूँ? मजाक कर रही है ना? एना ANNA लॉसन LAWSON। माफ कीजिएगा मिस लॉसन, पर आपके नाम की बुकिंग नहीं है। मैं अभी अभी बिना सोए 7 घंटे की फ्लाइट से आई हूँ, इस हफ्ते की तीसरी, और आप कह रहे हैं कि आपकी स्टूपिड मशीन में मेरा नाम नहीं है? हम जरूर इसका समाधान ढूंढ सकते हैं, तब तक के लिए मैं रूम का इंतजाम करती हूँ। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करें। तुम ठीक तो हो ना? स्टीव, खुशखबरी है, आपकी बुकिंग की मंजूरी आ गई है। ये रही चाबी। चलो अच्छा है, थैंक यू। Have a great night, Steve. तुम्हारी भी। Hi. आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? माफी चाहूंगा, वो काफी थकी हुई है। मैं समझ सकती हूँ सर, आपका शुक्रिया। अच्छा होगा कहीं मेरा नाम भी मशीन से गायब ना हो जाए। बढ़िया, फिर से एक होटल का घटिया कमरा। इतना भी बुरा नहीं है। पागल लड़की,
डायमंड। गॉर्जियस, फ्लाइट कैसी रही? हर बार की तरह एक लड़की उल्टी कर रही थी और पानी गर्म करने वाला बॉयलर फिर से टूट गया। अरे नहीं तो कॉफी और चाय नहीं मिली क्या? कम से कम वो तो सही रहा ना। बस मैनेज कर लिया, फर्स्ट क्लास में से एक ले आए, पर बार बार उसको भरने के लिए बहुत चलना पड़ा, परेशान हो गई। ओ बेचारी, तो अब क्या तुम होटल में हो? हाँ ठीक हूँ अब, बस अभी अच्छे से नहाई, अब बहुत सारा सोने का प्लान है। अच्छा आइडिया है, तुम बहुत लंबी शिफ्ट्स में काम कर रही हो। हाँ 48 घंटों में वापस आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे पिकनिक पर लेकर जाना जहाँ तुमने वादा किया था। बर्नी कैसा है? मैं उसे भी मिस कर रही हूँ। पूरी रात भौंकता रहता है, बाकी सब ठीक है। उसको अपना नया बेड बहुत पसंद है, पर पता नहीं पड़ोसी की बिल्ली उसे पसंद करती है या नहीं। ओह वो दूर रहना, जल्दी ही सीख लेगा। चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो, बाद में बात करूंगा। आई लव यू सो मच। लव यू टू। बेसब्री से मिलने का इंतजार है। मुझे भी। पानी से काम नहीं चलेगा, उसके मुंह से बदबू आती है। ध्यान रखना अपना। तुम भी। फिर कॉल करूंगी। लव यू। लव यू। अरे नहीं, साइमन बस अब थोड़ा सो जाओ। वाओ दोपहर हो गई। क्लब सैंडविच, पिज्जा, चिकन टिक्का मसाला। यक। रेस्टोरेंट चलते हैं।
मशहूर जगह। हाँ, आज की शाम काफी शांत है, एक के लिए टेबल? हाँ, अगर अंदर घुसा पाए तो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप बस मेरे पीछे आइए। इस तरफ। कुछ पीने के लिए ला सकता हूँ? रेड वाइन। हमारे पास बढ़िया शिराज है। परफेक्ट। लार्ज या स्मॉल? लार्ज लूंगी। थैंक्स। आप ऑर्डर के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं लूंगी मीडियम रेयर फिले स्टीक पेपरकॉर्न सॉस के साथ। चिप्स या आलू के साथ? चिप्स। थैंक्स। चिप्स। क्या आपके लिए एक और ड्रिंक ले आऊं? क्यों ना मैं हमारी तरफ से एक पूरी वाइन की बोतल ले आऊं? ये अच्छा रहेगा, बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय। थैंक्स। सब कुछ अच्छा रहा ना? ओह हाँ, बढ़िया। आप मीठे में कुछ लेना चाहेंगे? नहीं शुक्रिया, मेरा पेट भर चुका है, मैं बस बार में ही बैठूंगी। ठीक है। हाय, मैं हूँ पॉल। मैं आपको देख रहा था। सही में? तुमने मुझे नोटिस किया पॉल? तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है पॉल? प्लान अभी तक तो कुछ नहीं है। नहीं है? तुम्हारा प्लान है मुझे पटाने का, तो कैसे करोगे? क्या तुम फनी हो या बातें अच्छी कर लेते हो? दुनिया घूमी है? अमीर हो या बिस्तर में अच्छे हो? चलो भी पॉल, अब मुझे ऐसे लटका कर मत देखो, क्या है बताओ मुझे। तुम काफी खूबसूरत हो तो सोचा कि तुम्हें हाय बोल दूं। तो सुनो पॉल, आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हारे जोक पर हंसूंगी और अपने बालों से खेलकर तुमसे फ्लर्ट करूंगी। और अब तुम अपने दोस्तों की ओर मुड़ोगे और मुस्कुराकर अंगूठा दिखाओगे। अरे चलो भी पॉल, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम्हें एक लड़की मिलने वाली है, मैं तुम्हारे लिए बहुत हॉट हूँ। देखा, अब तुम अपने दोस्तों के सामने बड़े आदमी की तरह दिख रहे हो, है ना? सही कहूँ तो मेरे लिए तुम बहुत यंग हो पॉल, पर हम वाइन का ग्लास तो बदल ही सकते हैं। एक किस के लिए? क्या कहा, किस? हाँ बिल्कुल। काफी सीधे लगते हो तुम। ये अच्छा था पॉल, तुम जरूर एक दिन किसी को बहुत खुश करोगे। अब अपने दोस्तों के पास जाओ और मुझे परेशान मत करना, ठीक है? अब पॉल,
मेरी वाइन। शुक्रिया। ओके बोल देना पट गई। ए, कैसे किया तुमने? देखो पता नहीं बस पट गई। ओ, सही खेल गया। Good evening to you. क्या लेना चाहोगे? Churras, please. Large banana. मुझे भी large चाहिए तो मैं. ठीक है, large ही ले आओ. बहुत अच्छे हो तुम. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात हम दोनों ही खोए हुए हैं, खासकर कि जब हमारा साथ देने के लिए सिर्फ हमारी किताबें ही हों, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. तो बस मैंने सोचा कि सही कहा तुमने. मैं भी लगभग उदास हूँ. मैं आना हूँ. मैं जॉन हूँ. एक उदास साथी से मिलकर अच्छा लगा. उदास? मैंने कहा था लगभग उदास. वैसे असल में मैंने देखा कि कैसे आपने उस जवान लड़के के परखच्चे उड़ा दिए. बहुत ही कमाल के अंदाज में किया आपने. मैं आपसे प्रभावित हूँ, पर सच कहूँ तो उससे ज्यादा मैं डरा हुआ हूँ. आपने वो देखा? मैं बस इन जवान बच्चों से परेशान आ चुकी हूँ जो हमेशा मुझ पर चांस मारते रहते हैं. तो कभी कभार मैं बस मजे ले लेती हूँ उनसे. सुंदर होते हैं पर मेरे लिए उनके पास कुछ भी नहीं है. और एक तरफ तुम हो, कम से कम तुम मेरी साजिश के दायरे में तो हो. साजिश का दायरा? तुम्हें ज्यादा उम्र वाले पसंद है? बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो जॉन, होटल के बारे में पढ़ने से पता चलता है कि ये तुम्हें काफी पसंद है. वैसे अगर सच बोलूं तो हाँ, हफ्ते में 3 दिन ट्रेवल करना पड़ता है और मैं बहुत से होटल्स में रुकता हूँ. वैसे बहुत ही बोरिंग है, पर कल इस होटल में मेरी एक बहुत ही रोमांचक मीटिंग है. मैं दरअसल एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ. ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है. कॉन्फ्रेंस से प्यार करना तो बनता ही है. क्या करते हो? मैं दरअसल सफर की दुनिया में सुरक्षा का ध्यान रखता हूँ. तो कुल मिलाकर मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि लोग मरे नहीं और वो घायल ना हो, वो घर सुरक्षा पूर्वक पहुंच जाए. मेरा सारा वक्त इसी में जाता है. तुम कार इंडस्ट्री में हो? नहीं, काश. असल में मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के सेक्सी काम में शामिल हूँ. बोला था ना सेक्सी है. असल में मैं ये पक्का करता हूँ कि ट्रैफिक लाइट्स ठीक से काम करें. ओ, बिना ट्रैफिक लाइट्स के तो पता नहीं. अव्यवस्था, अराजकता, मौत और विनाश होगा दुनिया के हर कोने में. ये जाम ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नाम, हमें मुसीबत से बचाए रखने के लिए. तो अब तुम्हें मेरी सेक्सी जिंदगी के बारे में पता है. अब अपने बारे में बताओ, क्या करती हो? मेरा काम है लोगों को खुश करना. मैं बच्चों को रोने से रोकने की कोशिश करती हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो. और आमतौर पर हर कोई मुझसे तंग ही आ जाता है और मुझसे दूर जाने का इंतजार नहीं कर पाता. रुको, तुम बिल्कुल मेरी हाई स्कूल टीचर की तरह बात कर रही हो. मुझे पता था मैंने तुम्हें पहचान लिया. पता था मुझे. बढ़िया, कभी कभी लगता है ऐसा. वैसे मैं एयरलाइन केबिन क्रू हूँ. ओह, ऐसे बताओगी तो कभी नहीं समझ पाऊंगा. तो लगता है तुम अभी अपने काम से खुश नहीं हो बिल्कुल भी. कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैं इसे काफी टाइम से कर रही हूँ.
अब मैं बस गंदे बैग और खाना ठूसते लोगों को देखती हूँ और जो समय गुजारने के लिए शराब पीते रहते हैं। तो फिर एक जाम हो जाए, गंदे बैग्स, परेशान करने वाले यात्रियों के नाम और बच्चों के नाम, पागल बच्चे, परेशान करने वाले बच्चे, आकाश की गुमनाम नायिकाओं के नाम, एयर होस्टेसेस। वैसे टेक्निकली इन दिनों हम सब केबिन क्रू हैं, थोड़ा सा कम सेक्सी हैं। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत केबिन क्रू यानी कि एयर होस्टेस जिससे मैं आज तक मिला हूँ अपनी पूरी जिंदगी में। अब ये तो ज्यादा सक्सेस नहीं था ना। चीयर्स। अब शायद मेरी बारी है, फिर से वही सेक्सी, मेरा मतलब सक्सेस। क्यों नहीं, वैसे भी कल कॉन्फ्रेंस में मैं सोने ही वाला हूँ। बस कहते हैं किताब देखकर उसको पढ़ने वाले के बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। मुझे ये किताब बहुत पसंद है, जहाँ भी जाती हूँ इसको अपने साथ रखती हूँ। ये जुनून, ईर्ष्या, अंदरूनी राक्षस, ये जानने की जरूरत की कहानी है कि आप किसी के लिए एकमात्र व्यक्ति हैं। बढ़िया लग रही है, इसके बाद तो मेरी वाली उदास लगेगी। बताओ भी किस बारे में। मैंने अपनी वाली बता दी, अब तुम्हारी बारी है बताने की। ये बाइबल है, जानता हूँ ये सदियों पुरानी अच्छाई की बुराई पर विजय और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये बताती है, पर मुझे बस क्या ही बताऊँ। तुम धार्मिक हो? मैं नहीं, नहीं, मैंने बस इसे अपने 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 कमरे में देखा तो सोचा क्यों ना मैं इसे पढ़ने की कोशिश करके देखूं। तो तुम्हें क्या लगा? मुझे क्या लगा, मुझे लगा ईमानदारी से हम सब इसमें से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब तुम कहानी बना रहे हो, है ना? हाँ। ये किताब गाड़ियों के बारे में है ना? दरअसल मैं अपनी पुरानी गाड़ी पर कुछ काम करने की सोच रहा हूँ उसी बारे में। चलो। तुम बहुत ही कमाल की औरत हो। तो बताओ क्या लगता है, हमारे बीच कुछ और भी बहुत ही घिसा पिटा है, बोलने के लिए सॉरी। मैंने ये कैसे नहीं देखी। तो चलो घिसा पिटा ही सही कहना होगा, काफी किस्मत वाला है वो सच में। तो तुम्हारी जिंदगी में कौन किस्मत वाली है? पहले थी, पर तुम्हें सच बताऊं तो वो हमारा पूरा प्लान था शादी और बच्चों का, पर फिर मैं तैयार नहीं था और वो मुझे छोड़ गई। सुनकर बुरा लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कई बार जिंदगी ऐसी होती है ना। माफी चाहूंगी पर मुझे जाना होगा, कल फ्लाइट में वही परेशान करने वाले यात्री और बच्चे मिलेंगे और मैं शायद। बिल्कुल, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। तुमने मुझे एक बहुत ही बोरिंग रात से बचा लिया, बहुत सालों बाद इतना हंसी हूँ। जिंदगी में ऐसा होता है। शायद किसी और जिंदगी में। मुझे पता है जिंदगी कैसी है।
ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा था। तुम्हारी शाम अच्छी गुजरी जॉन। आई होप हम जल्दी ऐसे ही टकरा जाए। मैं भी। छोड़ो यार, जस्ट मनाते हैं। शैंपेन एक बोतल लाओ और दो ग्लास ले आओ, साथ में पीते हैं। शायद मैंने ज्यादा ही कर दिया। बहुत ज्यादा। तुम्हारा पति क्या सोचेगा? भाड़ में जाओ एंजेला। एक अजनबी, बहुत मजेदार। भगवान, क्या आदमी है। नहीं यार, बिल्कुल नहीं। Thank you.
जॉन, हेलो। हेलो, सॉरी मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, बस। ठीक हो तुम? हाँ शायद। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, बस मैं अकेला महसूस कर रहा था तो सोचा शायद तुम भी, इसलिए ये ले आया। सोचा सोने से पहले तुम्हें ये पसंद आएगी। सोने से पहले? क्या हम कुछ ही घंटे पहले बहुत नहीं पी चुके हैं? हाँ पी तो चुके हैं। मुझे नहीं आना चाहिए था। एक अच्छी रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर अब मुझे चलना चाहिए। मुझे हंसाने के लिए शुक्रिया। सर्विस की जरूरत है? पुलिस प्लीज। ओह शिट। हेलो। हेलो, मैं इमरजेंसी सर्विस से बोल रही हूँ। पुलिस को बुलाने के लिए एक कॉल आई थी मोबाइल नंबर से, फिर अचानक काट दी। मैं जानना चाहती हूँ क्या वहाँ सब ठीक है। I'm so sorry, मेरी बेटी अपनी दोस्त के साथ खेल रही थी, मैंने उन दोनों को हटा दिया है। अब क्या आपने उन्हें समझाया कि ऐसी कॉल से कितना समय खराब होता है और दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ जाती है? समझा दिया, वो दोबारा फिर ऐसा नहीं करेगी, वो शर्मिंदा है और मैं भी। ठीक है, जानकर खुशी हुई कि सब ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू, और फिर से परेशानी के लिए माफी चाहूंगी।
ऐसा क्यों करती रहती हो? माफ करना, तुम इसके हकदार नहीं थे। हे भगवान, मैं भी नहा रही हूँ। माफी चाहूंगी, क्या मैं आपकी बेडशीट्स और टॉवल्स बदल सकती हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक है। बेडशीट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे। सुनिए, सॉरी, मेरे खत्म हो गए। ठीक है, तो आप थोड़े से ले लीजिए, पर कम से कम सारे तो मत उठाइए मैडम। सॉरी, मुझे लगा ये सब फ्री है।
बतौर थैंक यू। जाना पड़ेगा अब। इसको भी साफ करना पड़ेगा लगता है। क्या अजीब सी बदबू है इसमें। सब ठीक हो जाएगा। हथियार कहाँ है? गया कहाँ आखिर? नहीं नहीं नहीं, सफाई की जरूरत नहीं है। थैंक्स, कह दिया ना। मैं एंजेला हूँ। एंजेला रुको जरा, जल्दी करो। क्या हुआ एंजेला, इतनी भी क्या जल्दी है? शुक्रिया, इमरजेंसी लगी है, बस मेरी निकलने ही वाली है। लंच में कुछ ज्यादा ही कॉफी पी ली। नहीं वहाँ मत जाओ। चिंता मत करो, मैं अपनी सांसें रोक लूंगी। हे भगवान, बस निकलने ही वाली थी। तुम बहुत ही अच्छी हो ना। तो पिछली रात मिस्टर परफेक्ट एकदम गधा निकला। अच्छा किस करता था, पर हे भगवान, बस खुद में ही खोया हुआ था, तो इसलिए मैं उसे एक पब में छोड़ आई। पायलट्स हर बार की तरह ही थे, कोशिश में लगे थे, पर स्टीव बार बार तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था कि तुम नए पार्टनर के साथ खुश हो या नहीं। तो तुम्हारा कैसा रहा, तुमने अपनी नींद पूरी करी? पर फिर भी तुम सारा दिन बंद तो नहीं रह सकती बेब। तुम बिल्कुल खामोश हो,
बेब्स, तुम परेशान लग रही हो, बीमार भी। सर में दर्द है। तुम्हें तो बुखार भी है। अच्छा होगा कि आराम करो और शायद बेहतर लगे। जल्दी ठीक हो जाओ, हमें तुम्हारी फ्लाइट में जरूरत पड़ेगी शायद। काश मेरा भी इतना साफ होता। अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे होटल की साइट पर तो फ्रेश टॉवल्स तक नहीं है। थैंक यू अंजला, पता नहीं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। मैसेज कर देना अगर कुछ भी चाहिए तो। ध्यान रखना, ठीक है? जरूरत पड़े तो रूम सर्विस बुला लेना। थैंक यू, बाय। तुमसे कैसे छुटकारा मिलेगा? क्यों ना एक मरी हुई गोल्डफिश की तरह। सोचो इस बॉडी को कैसे ठिकाने लगाऊं। मुझे और ज्यादा टाइम चाहिए होगा। हाय जेसन, मैं एना लॉसन, केबिन क्रू लंदन के लेओवर से। हाँ हाय, पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी बीमार महसूस कर रही हूँ। सर दर्द और उल्टी जैसा, उसके साथ साथ कप कपी, शायद किसी यात्री से लग गया होगा। हाँ समझती हूँ। माफ़ करना इसके लिए जेसन, मुझे नहीं लगता मैं इतने प्रेशर और ऐसी तबीयत के साथ उड़ान भर पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे एक और रात का लेओवर मिल सकता है, अगर तुम शिफ्ट कर पाओ तो। एंजेला डिवोर्स को मेरी तबीयत के बारे में सब पता है। ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जेसन, मैं आभारी हूँ तुम्हारी, तुम बेस्ट हो। हाँ काफ़ी सारी दवाइयाँ खाऊंगी और कल के लिए एकदम तैयार। हाँ सॉरी। ओ जेसन, क्या तुम होटल वालों को बता दोगे कि मुझे एक कमरा चाहिए होगा? अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कमरा शिफ्ट कर पाने की। ओ तुम बहुत अच्छे हो जेसन, शुक्रिया। जब मैं वापस आऊँगी तो हम साथ में ड्रिंक पियेंगे। ओके बाय बाय बाय। और सर्वश्रेष्ठ घटिया एक्टिंग के लिए एकेडमी अवार्ड जाता है एना लॉसन को। बेवकूफ। ग्रिल्ड चीज। और कुछ नहीं। जॉन,
सीट को नीचे करो जॉन। तुम्हारा तो नाम भी जॉन नहीं है, खटिया झूठा आदमी। सोचो और उसको गायब कर दो। जैसे कि वो कभी आए ही ना हो। उम्मीद है तुमने अपने डेटा का बैकअप लिया होगा जॉन, या जो भी तुम हो।
उधार चुका दूंगी जॉन। ना हे hey! कौन हो तुम? हेलो एना, क्या चाहिए तुम्हें? मेंटेनेंस, नीचे वाले कमरे से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, शायद ओवरफ्लो होकर नाली बंद हो गई होगी। तुम वहां नहीं जा सकते। बस कुछ ही सेकंड की बात है। हे भगवान, मरा हुआ आदमी है, देखो। ना कोई आ रहा है ना कोई तुम्हारी आवाज सुन रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेंटेनेंस, नीचे वाले कमरे से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, शायद ओवरफ्लो होकर नाली बंद हो गई होगी। तुम वहां नहीं जा सकते। हे भगवान, हेलो पॉल बोल रहा हूँ, मजाक कर रहे हो क्या तुम? हाँ मैं सीधा नीचे आता हूँ। हाँ ठीक है। औजार, माफी चाहूंगा, कॉन्फ्रेंस रूम की बिजली चली गई है, अभी वापस आता हूँ। सुना तुमने, हमें पता है कि नीचे बदबू कहां से जा रही है ना? एंजेला, क्या चाहिए इसे? हे एंजेला, तुम जा रही हो? हाँ, बुरी हालत है, अभी भी सही नहीं है। हाँ, उम्मीद तो है, थक गई हूँ मैं इस होटल के कमरे में। समझती हूँ, जब वापसी के लिए निकलूंगी तो तुम्हें मैसेज करूंगी। हाँ बिल्कुल, हाँ या लव यू, बाय 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 बिच। तैयार हो? काफी मजबूत हो। सच कहूं तो सोचा था तुम्हारे शरीर पर कम मास होगा।
आओ, क्या लग रहा है तुम्हें, कहाँ जा रहे हैं? मेंटेनेंस वाले के पास। अच्छा तो अब कौन? हेलो, कौन है? परेशानी के लिए माफी चाहूंगा मैडम, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। मैंने सुना है कि आपकी तबीयत सर्दी की वजह से खराब है और आप अपने कमरे से भी बिल्कुल बाहर नहीं निकली हैं। आप बुरा ना माने तो मैं अपने हिसाब से कुछ सामान लाया था होटल की तरफ से, क्या मैं ये अंदर लेकर आ सकता हूँ? नहीं, आपका शुक्रिया, अंदर सब ऐसे ही पड़ा है। मैं समझ सकता हूँ, सर्दी काफी बुरी चीज है, बहुत बुरी। शुक्रिया, मैं बता नहीं सकती मुझे इसकी कितनी जरूरत है। हमें खुशी है, हम आशा करते हैं कि आप जल्दी ही बेहतर महसूस करेंगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप रिसेप्शन पर कॉल कर देना, 12 बजे के आसपास आपका रूम भी साफ करवा दूंगा। तो अब आप अच्छे से आराम कीजिए, थैंक यू। जेसन को फोन करना पड़ेगा। हाय जेसन, एना लॉसन बोल रही हूँ। हाय। हाँ, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, अब मेरे सर का दर्द भी बिल्कुल ठीक है, और अगर मुमकिन हो तो मैं कल घर वापस जाना चाहूंगी। क्या तुम चेक कर सकते हो कि अगर मेरे लिए फ्लाइट पर कोई सीट खाली हो तो? जंप सीट भी एकदम बढ़िया रहेगी। ठीक है, गाड़ी सुबह 8 बजे आएगी, फ्लाइट ABH 91 10 बजे। बढ़िया, शुक्रिया जेसन, जल्दी मिलते हैं, बाय। आसान था। मैं घर आ रही हूँ साइमन। ओह, 30 मिनट।
सारी जगह खून फैल गया। जैसे कि वो है ही नहीं। गुड बाय होटल रूम, मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी। रुकिएगा जरा। शुक्रिया। रिसेप्शन? हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपका परफ्यूम लाजवाब है। सच में? बस एयर फ्रेशनर और ब्लीच की है। अच्छा, अगर किस्मत से आप आज रात फ्री हैं तो साथ में एक ड्रिंक पीना चाहेंगे? पर मैं शायद कहीं अटलांटा के ऊपर होंगी। ओके, शायद अगर मैं किस्मत वाला हुआ तो आपसे फ्लाइट में मिलूं। क्यों नहीं। अच्छा, मैं आपकी मदद कर देता। नहीं, कोई बात नहीं। आप काफी सामान लेकर चलती हैं। हाँ, मुझे जूते बहुत पसंद है। थैंक यू। सुबह सुबह एक हैंडसम अजनबी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत कमाल की हैं। अपना कार्ड दे सकता हूँ ताकि अगली बार जब आप लंदन आए तो हम मिल सके? श्योर जेम्स। मैं कॉल करूंगी। मैं इंतजार करूंगा। एना। एना, शुक्रिया, कॉल करना। चलो बाजो। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ?
हाँ, मुझे ये कहीं पड़ा मिला और मैं इसे प्लेन पर नहीं ले जा सकती। ओ हाँ, आपको भी काफी परेशानी होगी इसे प्लेन पर ले जाने में। थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। मॉर्निंग, चेकिंग आउट प्लीज। बिल्कुल, क्या आपके पास रूम की चाबी है? आपका स्टे आरामदेह रहा? हाँ, बस ठीक ठाक रहा। आपकी सारी पेमेंट एयरलाइन ने दे दी है। बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका। ये कैब वाले भी ना। मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस व्हाइटहॉल। गुड मॉर्निंग, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप सही बस में हैं या नहीं, कहाँ जाने वाले हैं आप? हम लोग डोवर जा रहे हैं, फिर आज रात हम स्विट्जरलैंड जाएंगे कुछ दिनों के लिए और फिर अगले हफ्ते जर्मनी जाएंगे। बढ़िया, सुनकर रोमांचक लग रहा है। आपकी कैब आ गई है, आप चलकर बैठिए, मैं आप लोगों का सामान सुरक्षित रखवा देती हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरे। हाय। इस बैग का खास ध्यान रखना, बहुत ज्यादा भारी है। सच में? भगवान ही जाने इसमें क्या भर रखा है। कोई बात नहीं। okay. ठीक है, आपका शुक्रिया। वही पुराना लंदन। फाइनली कैसा है? ओह, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। लव हिम सो मच। बहुत ही क्यूट है। देखकर अच्छा लगा कि तुम अब ठीक हो ना। थैंक्स बैथ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और ला सकती हूँ? नहीं, मैं बस सोते सोते ही जाऊंगी। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। फ्लाइट अटेंडेंट्स, लैंडिंग की तैयारी करें। FBI, क्या आप एना लॉसन हैं? अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखिए, धीरे से चलें और हमारी तरफ बढ़िए।
आखिर ऐसा क्यों करती हो? Ha ha ha.